वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। प्रायः ऐसा देखा गया है कि छोटे राज्यों में विकास की संभावनाएं अधिक होती हैं। इसके पीछे अनेकों प्रकार के कारक उत्तरदायी होते हैं। राज्यों के छोटे होने पर प्रशासनिक विकेंद्रीकरण अधिक सुगमतापूर्ण तरीके से तथा विस्तृत रूप में होता है। इससे व्यक्ति की समस्या को अधिक करीब से समझने में मदद मिलती है। प्रशासन में अधिक पारदर्शिता आती है। भ्रष्टाचार भी कम होने की संभावना रहती है। छोटे राज्यों में प्रायः भौगोलिक आपदा पाई जाती है, जिससे वहां समान प्रकार के कार्यकलापों का विकास किया जा सकता है। इससे आर्थिक विकास को गति देने में भी सहायता मिलेगी। राज्य का क्षेत्रफल कम होने पर यहाँ पर पाई जाने वाली सामाजिक विविधता भी कम होने की संभावना रहेगी, जिससे लोग एक दूसरे के अधिक करीब रह सकेंगे। जातीय हिंसा की समस्याएं भी कम हो सकती हैं। राजनीतिक रूप से भी अधिक कुशलता लाई जा सकती है। प्रायः ऐसा भी माना गया है कि शिक्षा यदि मातृभाषा में दी जाए तो उससे व्यक्ति में अधिक कुशलता लाई जा सकती है। छोटे राज्यों के होने पर इस बात की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है कि राज्य के लोगों को एक भाषा में शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे शिक्षा में गुणवत्ता आने की संभावना भी अधिक आ जाती है। छोटे राज्यों द्वारा उनके यहाँ पाए जाने वाले प्रत्येक संसाधन, भौतिक एवं जैविक का दोहन अधिक कुशलतापूर्वक किए जाने की संभावना भी अधिक होती है। इसका मुख्य कारण यह कि संसाधन के दोहन के लिए वहां अनुकूल परिस्थिति, भौतिक तथा मानवीय मिलने की अधिक संभावना होती है। विस्तृत रूप से देखा जाए तो छोटे राज्यों के कई प्रकार के लाभ हैं। इन लाभों का कुशलतापूर्वक दोहन करते हुए देश के विकास को तीव्र किया जा सकता है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि छोटे राज्यों के अनेक समस्याएं भी हैं। उनका भी यहाँ अवलोकन करना उचित होगा। वर्तमान में सीमा विवाद न केवल अंतर्राष्ट्रीय वरन अंतर्राज्यीय स्तर पर भी एक जटिल समस्या बनकर उभरी है। राज्य ही छोटे होंगे, सीमाओं का निर्माण भी उतना ही अधिक होगा। इससे सीमा विवाद की समस्या अधिक जटिल होगी। ठीक इसी प्रकार जल विवाद भी अधिक बढ़ जाने की संभावनाएं हैं। जहां छोटे राज्यों में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की अधिक संभावनाएं होती हैं, वहां राष्ट्रीय स्तर पर यह एक समस्या के रूप में भी उभर सकती है। इससे भी कई समस्याएं उत्पन्न होंगी। वित्तीय विकेंद्रीकरण एवं कार्य योजनाओं का संचालन करने में भी समस्याएं
उत्पन्न होंगी। छोटे राज्यों में प्रशासनिक कार्य संचालन के लिए प्रशासनिक भवन, न्यायिक भवन आदि भी बनाने आवश्यक होंगे। इनमें काफी वित्तीय खर्च आ सकता है। साथ ही राज्य में पाए जाने वाले ऐसे संसाधन जो स्वयं में पूर्ण नहीं होते के कुशलतम दोहन में काफी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। विभिन्न राज्यों की अपनी समस्याएं होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वही समस्याएं या नई समस्याएं, आपदा इत्यादि इतनी अधिक हो जाएं कि राज्य उनसे अकेले निपटने में सक्षम नहीं होता। राज्यों के छोटे होने पर इन समस्याओं का स्वरूप और भी जटिल हो जाएगा, जिससे राज्य विकास करने के विपरीत कई वर्षों के पीछे जा सकता है। छोटे स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा जहां अधिक कुशलता प्रदान करती है, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर एकता बनाने में एक समस्या भी खड़ी करती है। कई बार यह हिंसा के रूप में भी मुखरित हो जाती है। वर्तमान में ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। राज्यों के अधिक होने पर राजनीति विखंडनीयता भी अधिक होगी, फलतः राष्ट्रीय स्तर पर इसका नकारात्मक परिणाम हो सकता है। कमजोर केंद्र होने पर अनेकों किस्म की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आंतरिक समस्याओं के साथ साथ विदेशी संबंधों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। स्टॉप। अगर आपको डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे डिक्टेशन डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।